बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देसी हल टीवी में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे भाइयों, ये आज आपके सामने ये एक ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने 100 किलो वज़न को भी 50 किलो तक ले आ सकते हैं। ये क्या चीज़ है दोस्तों, किस चीज़ से बनी हुई है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। काइंडली इस वीडियो को पूरा वॉच करें और इस बताए हुए टोटके पर लाजमी अमल करें। इसको इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ अपने पेट को बल्कि पूरे जिस्म से अपने फालतू जो गलीज मवाद है उसको ख़त्म कर सकते हैं और आप हमेशा के लिए अपने आप को हसीन रख सकते हैं। इसको बनाने के लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले तो चाहिए है तकरीबन से तकरीबन 2 गिलास पानी के, ठीक है। 2 गिलास पानी आप किसी देगची में, किसी बाउल में डालकर आप रख दीजिए। जब वो बॉयल होने लगे फिर उसमें आपने ये चीज़ है, इसको कहते हैं लेमन ग्रास। लेमन ग्रास एक ऐसी टी है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने हुस्न को 4 चांद लगा सकते हैं। आपके ये रंग को भी बहुत ज़्यादा गोरा करती है, आपको आपके चर्बी को ये कट कर देती है दोस्तों। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने उसमें शामिल करके तकरीबन से तकरीबन इतनी पत्तियां आपने 2 गिलास पानी में शामिल करके अच्छी तरह से उसको बॉयल करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट बॉयल जब हो जाएं फिर इसके बाद इसको चूल्हे पर से उतार लीजिए। ये मैंने ऑलरेडी इसको बना कर रखा हुआ है। जब आपको ये कर लेंगे, इसको बॉयल कर लेंगे तो ये एक इस तरह से एक चीज़ बन जाएगी, ये टी बन जाएगी इस तरह की, ठीक है। इसमें आपको लेमन ग्रास नज़र आ रहा होगा नीचे। तो फिर इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है लेमन, 1/2 लेमन आपने इसके बीच में शामिल करना है, ठीक है। फिर इसके बाद अच्छे तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए और इसको ठंडा करके पी लें या इसको गर्म करके पी लें, यह आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको गर्म करके पिएं, ठीक है। जब ये गर्म होगा तो आपकी चर्बी को ये बहुत जल्दी मेल्ट करेगा, पिघला देगा दोस्तों। अब दूसरे नंबर पर जो मैं रेमेडी आपको बताने वाला हूँ वो स्किन वाइटनिंग के लिए है। वो नीम के पत्तों से बनाई गई है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नीम के पत्तों के बारे में आपको बताऊंगा। नीम के पत्तों के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ वो स्किन वाइटनिंग के लिए किस तरह यूज़ की जाती है। तो आइए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पेस्ट तैयार हो चुका है नीम के पत्तों का। मैंने ये नीम के पत्ते लिए थे, नीम के पत्तों को मैंने ग्राइंड किया है। ग्राइंड करके मैंने ये इस हालत में ले आया हूँ, ठीक है। ना इतना पानी है और ना इतना इसमें पेस्ट है, दरमियानी हालत में है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले जो मैंने लेमन बीच में डाला था वो सब्ज़ क्यों था। वो उसकी भी एक खासियत है। वो सब्ज़ मैंने इसलिए लिया था कि लेमन जो येलो होता है उसमें और जो कच्चा लेमन होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, उसकी तासीरों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। ये बस राज की बात है, इसको राज ही रहने दीजिए। आपने लेमन जो है वो ग्रीन लेना है, ठीक है, कच्चा लेमन, पका हुआ नहीं लेना। अब ये जो पेस्ट है ना, ये स्किन वाइटनिंग के लिए मैं बना रहा हूँ। अब स्किन वाइटनिंग के लिए कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये एक चीज़ आपने ले ली। फिर दूसरे नंबर पर हम लेंगे ये मुल्तानी मिट्टी। इसमें हम तकरीबन 1.5 टीस्पून हम ये बीच में ऐड करके ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने ये चीज़ तैयार कर ली है। स्किन वाइटनिंग के तौर पर मैंने ये इस्तेमाल किया है नीम के पत्ते। अब ये देखें कि ये एक इतना ज़बरदस्त पेस्ट बन गया है। ये जब आप अपनी स्किन पे लगाएंगे तो फिर आप रिजल्ट देखिएगा। मैं इसको अपने हाथों पर लगाकर आपको ट्राई करवा देता हूँ। आपने रब करके अपने हाथों पर इसको इस तरह छोड़ देना है, ठीक है। तकरीबन से तकरीबन आपने इसको 20 से 25 मिनट छोड़ना है। मैं भी आपको रिजल्ट बता देता हूँ कि रिजल्ट कितना मुझे फ़ायदा होता है। जी दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा हाथ बिल्कुल सूख चुका है, ठीक है। अब मैं इसको वॉश करके आपको दिखाता हूँ आफ्टर बिफोर कितना फ़र्क पड़ा है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कितना फ़र्क पड़ा है मेरे हाथ पे। लेफ़्ट साइड देख सकते हैं और राइट साइड देखिए, आप वाज़ेह पहचान कर सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है मुझे। ये जगह देखिए और ये जगह देखिए, वाइट मेरे हैंड्स हो गए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी लड़कियों ने बोला था कि आपके हैंड्स फेक हैं, मतलब कहते हैं कि क्रीम्स वगैरह लगाई। तो दोस्तों जो चीज़ है आपके सामने है, कुछ भी नहीं लगाया ऐसा वैसा, ठीक है। और मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो अपने हाथ की ब्राइटनेस तेज़ कर देते हैं या हाथों पर भी मेकअप करके सामने आकर वीडियोस बनाते हैं। भाई छुपाना किस चीज़ से है, अल्लाह ने ही बनाया ना। जो चीज़ है आपके सामने है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो हाथों पर मेकअप करते हैं और हाथों पर एक्स्ट्रा वाइटनिंग क्रीम्स लगा कर वीडियो क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों
ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।